CETBD 2019 का रिजल्ट आ चुका है और इसके बाद हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन सभी ऑल इंडिया रैंकर से जिनकी सक्सेस की कहानी आज सभी जानना चाहते हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद है अंजलि गोयल, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर कैसा रहा उनका ये पूरा सफर CA में ऑल इंडिया थर्ड रैंक मिलने तक। हेलो अंजलि। हेलो मैम। अंजलि, कैसा रहा आपका रिएक्शन जब आपको पता चला आपको ऑल इंडिया थर्ड रैंक आई है? मैम, ये सबका ड्रीम होता है कि उनकी एक रैंक आए CA में और मेरी थर्ड रैंक आई है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कितने एक्सपेक्टेशंस थे आपको? मींस मैंने एक्सपेक्ट किया था अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ऑल ओवर इंडिया थर्ड रैंक, ये सुन के मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। साथ में मेरे 673 मार्क्स आए हैं, तो ये मींस काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्या बात है, आपको लगी खास? जैसे मेरा ब्रदर आया था उस टाइम, उसे स्टार्टिंग में VSI के बारे में पता नहीं था। उस टाइम यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी गौरव सर्वांगी की, तो उनसे उन्हें पता लगा तो वो यहाँ पे आए। उस टाइम वो 2 मंथ लेट हो चुके थे, सारे प्राइम बैचेस डाल चुके थे, वो लास्ट बैच में थे। एंड देन इवन देन उनकी ऑल इंडिया रैंक 21 आई, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो है कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स आए हैं इतनी लेट स्टडी स्टार्ट करने के बाद। तो इसलिए मैं, जैसे मेरा CPT ओवर हुआ, मैं उससे नेक्स्ट डे मतलब फर्स्ट बैच में मैं यहाँ पर आ गई। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके भाई ने फर्स्ट रैंक VSI से देखी, तो उसके बाद वो यहाँ पे आए। और अगर मैं फिर से फर्स्ट रैंक की बात करूँ और एवरेज मार्क्स की बात करूँ, तो वो भी आपके क्लास से ही, आपके बैच से ही है, तो कितना मोटिवेटिंग रहा? कॉम्पिटिशन भी रहता था कि एक ही बैच से इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स आती है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है। मेरे बैच में अराउंड 50 स्टूडेंट्स थे और उसी बैच में से 6 रैंक्स आई है ऑल ओवर इंडिया, और जिसमें फर्स्ट रैंक है अक्षत की। और मेंस जैसे मॉक टेस्ट होते थे तो पूरा नेक टू नेक कंपटीशन मिलता था, तो उससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती थी कि मैं भी आगे आने की कोशिश करूं, मैं उन्हें कम्पीट करूं, उनसे आगे निकलूं, तो उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहा। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, अगर आपकी कोचिंग की और जो पूरा स्टडी पैटर्न रहा आपका इस बीच में, वो सब क्या था, वो सब जानना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई, तो हमारी सुबह 7 to 3 कोचिंग होती थी, तो 8 hours की कोचिंग करती थी। फिर मैं अपने जहाँ पे रहती थी वहाँ जाती थी, देन मैं वहाँ पे 4 to 5 hours स्टडी करती थी। तो पहले तो स्टार्टिंग के दिसंबर तक हमारा ये शेड्यूल रहा, उसके बाद हमें 4 to 5 months सेल्फ स्टडी के लिए मिले, जिस दौरान हमारे फुल मॉक टेस्ट सीरीज थी। देन उस टाइम मैं फुल सेल्फ स्टडी करती थी एंड मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल है, मींस हमें टाइम लिमिट पता लग जाती है कि हमें इस टाइम लिमिट में वो वाला सिलेबस कवर करना है, तो उसमें हमें प्रेशर आता है तो हम वो सिलेबस उसी टाइम लिमिट में कवर करते हैं, तो हमारा पूरा सिलेबस काफ़ी टाइम्स रिवाइज हो जाता है। जब स्टडी करते हैं, आपका गोल था कि हमें बहुत अच्छी रैंक मुझे मिले, बहुत अच्छे मार्क्स रहे, लेकिन बीच में कई बार होती है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं, कैसे आप खुद को मोटिवेट करती थी? कभी मींस मेरा स्टडी करने का मन नहीं करता था या बहुत थक जाती थी, तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी। मेरे मदर और फादर, वो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। उन्होंने मींस मुझे यहाँ पे हरियाणा से, पानीपत से जयपुर भेजा, उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट मिला। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी या कुछ भी मुझे लो फील होता था, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। वो बस यही कहते थे कि अपना 100% दो और बाकी अच्छा ही होगा, तो उनसे बहुत सपोर्ट मिला। VSI में टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, शर्मा सर ने बहुत सपोर्ट किया। हमारी जब सिलेबस ओवर हो गया था एंड फुल मॉक टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस की स्टार्ट हुई, तो वो हमें बीच में बार बार गाइड करते रहते थे। हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कितना सपोर्ट मिला बाहर से और फैमिली और कोचिंग से? स्टार्टिंग के फर्स्ट जो एग्जाम्स अकाउंट्स एंड लो, वो मेरे बहुत ही अच्छे गए थे। देन मैंने सोचा था आगे भी अच्छे ही जाएंगे, बट कोस्ट का अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था, तो मैं मींस मैं नर्वस हो गई थी बहुत, और मुझे लगा था कि बेकार गया है, तो इसकी वजह से आगे मेरे टैक्स के पेपर में भी इफेक्ट पड़ा, उसका भी थोड़ा हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आगे मैंने और मेहनत की, तो फिर अच्छा रिजल्ट आया। तो आपका कहने का, अगर मेहनत की जाए, सिस्टम को फॉलो किया जाए, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी रैंकर बन सकता है? हाँ जी, जो अच्छा सा सिस्टम फॉलो करेंगे, मींस रेगुलर स्टडी करेगी, ICI के मॉड्यूल से स्टडी करेगी, मॉक टेस्ट देंगे, तो ये
कर सकते हैं हम। तो वीएसआई में एक तरीके से मोटिवेशन आपको मिलता था, प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम तो यहाँ पे फॉलो किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस रहा, जो फियर था एग्जाम को लेकर वो आपका दूर हुआ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनका सी इंटरमीडिएट एग्जाम वो देने वाले? मैं ज़रूर यही कहूँगी कि वीएसआई आए, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट शेड्यूल बहुत अच्छा है, मॉक टेस्ट दो और जो सिलेबस है आप उससे बार बार रिवाइज करो, तो उसी से आपका रिजल्ट आएगा।